हेलो एवरीवन, दिस इज शुभ सरकार एंड यू आर वाचिंग एस्ट्रो इलेक्ट्रिकल मैजिक। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक टाइमर राशि के बारे में बात करने वाले हैं। एक जो टाइमर राशि है जिनका नंबर है 555, यानी कि 555। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो आईसी है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला आईसी है। तो ये जो आईसी है, ये आईसी को सबसे ज्यादा वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमें किसी टाइमर प्रोजेक्ट बनाना होता है, वहां पे हम इसे यूज करते हैं। तो चलिए फिर, आज इस आईसी का तीन ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आज हम बनाएंगे पार्ट वन, यानी कि ये जो तीनों वीडियो है, अगर इस एक ही वीडियो में बनाएंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हमने बनाया आज पार्ट वन। तो आज हम पार्ट वन में देखने वाले हैं, इसका तीन स्टेज है, जैसे कि एक है स्टेबल, एक है बेस्टेबल, दूसरा है मोनोस्टेबल। तो आज हम स्टेबल सर्किट को बनाएंगे, स्टेबल का जो वर्किंग है वो किस तरह से काम करता है, और इसका सर्किट डायग्राम भी आपको दिखाएंगे प्रैक्टिकल के साथ। तो चलिए फिर, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और इस वीडियो को अगर अच्छा लगता है एक लाइक जरूर कर देना, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ब्रेडबोर्ड में हमें आईसी लगा देना है इस तरह से, देख सकते हैं बढ़िया तरीके से हमने लगा दिया इसे। अब हमें लेना पड़ेगा 104 पीएफ, जो कि हम कनेक्शन करेंगे नंबर 5 नंबर ए, एक पॉइंट कनेक्ट कर देंगे, दूसरा पॉइंट कनेक्ट कर देंगे नंबर 1 पे। हमने कनेक्शन कर दिया है। तो इसके बाद हमें लेना पड़ेगा एक 1 किलो ओम रेजिस्टेंस, जिसे हम कनेक्शन कर देंगे नंबर 7 में एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट पॉजिटिव में कर देंगे, हो गया। अब उसके बाद हमें लेना पड़ेगा एक 100 किलो रेजिस्टेंस, फिर उसे हम कनेक्शन करेंगे नंबर 6 एंड नंबर 7 को, 6 और 7 में हमने कनेक्शन कर दिया इसका, ठीक है। अब हमें जंपर वायर लेना पड़ेगा। तो जंपर वायर के लिए हमने यहाँ पे एक जंपर वायर ले लिया है, जो कि मेल टू मेल है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम कनेक्शन जंपर करेंगे नंबर 2 नंबर पे जोड़ देंगे, पहले हम 2 नंबर पे जोड़ देंगे, फिर दूसरा पॉइंट हम जोड़ देंगे नंबर 6 में, हो गया। और फिर इसके बाद हमें एक कैपेसिटर लेना है, तो कैपेसिटर भी जोड़ देंगे नंबर 1 एंड नंबर 3, सॉरी नंबर 1 और नंबर 2 में जोड़ देंगे, ऐसे नंबर के 1 ऐसे नंबर 2 में जोड़ देंगे, ठीक है। ये कैपेसिटर लगा के इस तरह से देख सकते, बढ़िया क्लियर दिख रहा है। तो अब हमें आउटपुट के लिए लेना पड़ेगा एक 100 ओम रेजिस्टेंस, जो कि हम 3 नंबर पिन से हमारा जो आउटपुट आ रहा है, तो हम 3 नंबर पर जोड़ देंगे, और एलईडी को भी जोड़ देते साथ में, अब कनेक्शन करने के लिए हमें एक नेगेटिव वायर को लेना है, दूसरा पॉजिटिव के लिए हमें दूसरा और एक वायर लेना है। हमने ये कर दिया है, कनेक्शन सारा हो गया। अब हमें इसे पावर देने के लिए हमने यहाँ पे 4.7 वोल्ट का बैटरी ले लिया है, देख सकते हैं पॉजिटिव में नेगेटिव और ये पॉजिटिव में पॉजिटिव किया हुआ है। तो ये फैन की 4.7 वोल्ट का है, नंबर 4 नंबर 8 को भी हमें पॉजिटिव देना होगा, तो हमने नंबर 4 में कनेक्शन कर दिया है और एक फिर जोड़ देते हैं, ये जोड़ दिया मैंने, फिर उसी 8 नंबर जो पिन है उसी पिन को हम पॉजिटिव में पॉजिटिव के साथ भी जोड़ देंगे, हमें जोड़ दिया, सारा कनेक्शन हो गया, देख सकते हैं। अब इसे पावर देते हैं, देख सकते
के एक टाइमर की तरह काम कर रहा है, यानी कि हम इसे जिसे टाइमिंग के साथ सेट कर दिया है, ये उसी टाइम से ये वल्फ ये एलईडी जो है वो ब्लिंक कर रहा है, कुछ देर के लिए जल रहा है तो कुछ देर के लिए ये बंद हो जा रहा है, देख सकते हैं। तो ये सर्किट कुछ तरह से वर्क कर रहा है। अगर हम इस कैपेसिटर को चेंज कर देंगे, इसका वैल्यू और थोड़ा बढ़ा देंगे, तो इसका टाइमिंग जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। तो देख सकते हैं ये सर्किट कुछ तरह से वर्क कर रहा है। चलिए फिर हम इसका टाइमिंग जो है वो इंक्रीज करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले सब कनेक्ट पावर कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर देते हैं। हम क्या करेंगे, इसकी अब कुछ चेंज कर देंगे, इस कैपेसिटर को हम चेंज कर देंगे। इसकी जगह पे यहाँ पे हम 10 ईओएफ का लगा था, अब इसकी जगह पे मैं 47 ईओएफ का लगा देता हूँ। फिर आपको दिखाते हैं इसका टाइमिंग इंक्रीज होता है या नहीं। जोड़ लिया मैंने, तो अब देख सकते हैं इसका जो पावर है वो इनकी जो टाइमिंग है वो इंक्रीज हो गया है। देख सकते हैं जी, पहले बहुत जल्दी जल्दी ब्लिंक हो रहा था, अभी थोड़ा डिले हो गया, यानी कि जितने टाइम के लिए ये ऑफ रहेगा ठीक उतने टाइम के लिए ये ऑफ भी रहेगा। देख सकते देखा फ्रेंड्स, कैसे हमने घर पे बनाया है बढ़िया तरीके से स्टेबल सर्किट को। तो ये जो सर्किट है, इस आईसी का पार्ट नंबर 1 है। इसके बाद हम लाएंगे पार्ट नंबर 2, जिसमें हम दिखाएंगे बेस्टेबल। तो बेस्टेबल सर्किट को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें, ताकि मैं नेक्स्ट जो भी प्रोजेक्ट आपको वीडियो बना के अपलोड करूँ, ताकि उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और सबसे पहले आप उसे देख सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।